हेलो गाइस, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे बल्कि टेक टॉक्स पे। तो इस ऐप में क्या होता है दोस्तों, इस वजीर ऐप में क्या होता है, जो भी आप इंडियन रुपीस में जो अमाउंट डालते हैं उसको क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज करती है आपके अमाउंट को, आपकी करेंसीज को क्रिप्टो करेंसीज में। तो उसमें क्या है, आपके प्राइस हाई होने पर को प्रॉफिट होता है, माइनिंग करना पड़ती है। माइनिंग कैसे करते हैं वो इस ऐप में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये फंड वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको फंड शो करता है, जो भी आपने अमाउंट डाल रखा है इस अपने वॉलेट में। तो यहाँ पे नीचे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने INR को USD में और USD को INR P2P ऑप्शन वाले में सेक्शन में। तो उससे नीचे आपके INR इंडियन रुपीज़ कितने बचे हुए हैं वो शो करें, 2.89 रुपीज़ मेरे बचे हुए हैं। और उससे नीचे जो आपकी ने क्रिप्टो करेंसीज वगैरह खरीद रखी है वो शो करती है। दोस्तों फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको जो है इस ऑप्शन में जाना पड़ता है, INR वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिपॉजिट के ऑप्शन में या फिर विड्रॉल जो भी अमाउंट करना है। तो मैं डिपॉजिट करके आपको बताता हूँ डिपॉजिट कैसे करते हैं। डिपॉजिट वाले ऑप्शन में आप जैसे मतलब अपनी बैंक की ऐप में जाएंगे, बैंक की वाली ऐप में जाकर जो है वहाँ पर ये अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आपको इस ऐप में ट्रांसफर करना है वजीरेक्स में अमाउंट डालना है। फिर बाद में जो है ये अकाउंट नंबर दिए हुए हैं पे डालने हैं, जो भी मतलब ICICI बैंक का जो डिटेल दिया हुआ है, वजीरेक्स का जो अकाउंट है इसमें ट्रांसफर करना होता है जितने भी रुपए आपको वॉलेट में चाहिए वो ये डिटेल के फिर बाद में ट्रांसफर डिटेल्स में जाना है। तो जो भी आपने फंड अपनी बैंक की ऐप से ट्रांसफर किया है उसको यहाँ पे ऐड करना होता है, उसकी जो है रेफरेंस ID यहाँ पे डालनी होगी, जो भी आपकी IMPS रेफरेंस ID आपने जो IMPS के थ्रू किया है, नेफ्ट के थ्रू दी है, जो भी है, तो वो रेफरेंस ID आपको ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आपकी जो है बैंक की ऐप है उसकी ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में जो भी डिटेल्स शो करता है कि कितना ट्रांसफ़र किया है उसमें IMPS रेफरेंस ID आपको शो हो जाएगी 12 डिजिट की, वो यहाँ पे एंटर करना है और जो भी हमने अमाउंट जो है सेंड किया है वहाँ से वो टाइप करना है, फिर बाद में ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे सबमिट करते ही आपका फंड जो है आपकी ऐप में आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं ऑर्डर वाले सेक्शन में। ऑर्डर वाले सेक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह खरीदने के लिए लगाया हुआ है, सेल के लिए लगाया हुआ है, बाइक के लिए लगाया हुआ है, तो वो यहाँ पे शो करते हैं। और ये वाला हिस्ट्री वाला सेक्शन, इसमें जो भी आपने लेन देन किया है, सेलिंग बाई किया है, बाई सेलिंग किया है, वो यहाँ पे शो करता है। तो इसके बाद में आता है मार्केट वाला सेक्शन। दोस्तों इस सेक्शन में जैसे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जैसे INR का अलग है, BTC का अलग है, USDT का अलग है, तो इसमें जो भी आपके करेंसी जो आपने कन्वर्ट किया है वो उसके हिसाब से आप लेन देन यहाँ पे कर सकते हैं, बाई एंड सेलिंग कर सकते हैं। जैसे BTC आपने खरीद रखी है, बिटकॉइन खरीद रखी है, तो बिटकॉइन से यहाँ पे ये जो सारे नीचे बिटकॉइन वाले वो यहाँ से बिटकॉइन से मिलेंगे, और इंडियन रुपीज़ हैं तो इंडियन रुपीज़ में आपके जो है ये टोकन्स खरीद सकते हैं, ये करेंसी आप खरीद सकते हैं इंडियन रुपीज़ से। और USD है तो USD वाले सेक्शन में आप खरीद सकते हैं USDT। ये P2P सेक्शन है, इसके थ्री आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने जो है जो भी आपने खरीद रखा है उसको USD में ऐसे INR में कन्वर्ट कर सकते हैं और INR को USD में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने XV का सेलेक्ट किया है तो इसका ग्राफ देखते हैं ग्राफ वाले सेक्शन में, और इसका जो है ग्राफ देख कर अपन समझ सकते हैं कि इसका भी क्या उतार चढ़ाव कैसा चल रहा है इसका। और जैसे इसमें अपन ऑर्डर, जैसे इसमें दो सेक्शन, तीन सेक्शन और बाय सेक्शन, ट्रेड सेक्शन, माय सेक्शन, इसमें अपन अलग अलग सेक्शन है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो ट्रेड वाले सेक्शन में क्या होता है कि मतलब जो बाय वाले अपन को ख़रीदना है तो ये अमाउंट जो है इतने में ये ख़रीदना चाहते हैं, और सेल, ये सेल वाले अलग सेक्शन है, सेल वाले सेक्शन में जो है इतने में सेल करना चाहते हैं लोग। तो मतलब सेलर और बायर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, सेलर और बायर, जो आपको आप क्रिप्टो करेंसी आपकी ख़रीदेंगे। और अगर आपको बेचना है तो आपको बाय वाले सेक्शन में देखना होगा कि बाइक कैसे करते हैं। बाइक करने के लिए मैं जैसे नीचे का लिमिट से एकदम डाउन का जो है मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ 007.007, तो उसका अमाउंट अभी 0.074 था, तो मैंने इसका नीचे का अमाउंट, लीस्ट अमाउंट मैंने डाल दिया। तो मैंने अमाउंट डाला, मैंने उसके हिसाब से मुझे कितनी 595 मुझे चाहिए अमाउंट, ठीक है, मैंने अपने अमाउंट डाला। फिर बाद में मुझे बाय के ऑप्शन में क्लिक कर दिया और ये ऑर्डर मैंने कंफर्म कर दिया स्वाइप करके। आप ऑर्डर कंफर्म कर देंगे, फिर जैसे ही इसमें
ये करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी है जो है नीचे जाएगी, डाउन होगी, तो वो अपन जो है ऑर्डर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी ये जैसे हाई में चल रही है, इसका प्राइस अभी डाउन नहीं है, तो ये अभी ऊपर जा रही है, अप जा रही है, तो अप जा रही है तो मतलब अभी प्रॉफिट में चल रही है। तो जैसे ये लॉस में आएगी तो अपन जो है अपने नीचे से नीचे का अमाउंट इसमें डाल दिया है, तो ये इस अमाउंट पे आते ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने ही अपने आप अपने हमारे वॉलेट में जो है ये करेंसी आ जाएगी। ठीक वैसा ही जैसे हमने बाय किया था नीचे से नीचे अमाउंट में, तो वैसा ही का वैसा ही हम अपन सेल करने में करते हैं। अपन जैसे हाई हाई वाले में अपन सेल करते हैं, ऊपर से ऊपर का सेल करने की कोशिश करेंगे तब भी हमें प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो है हम खरीदे हैं इसको 74 में, 0.0074 में अपन खरीदते हैं। अगर ये 77 पर जाता है तो हम इसको बेच देते हैं। ठीक है, ये अमाउंट अपन डालकर इसमें प्राइस में डालकर फिर अपना अपना अमाउंट डाल देंगे, फिर हमें कितना सेल करना है वो अमाउंट हमें डाल देंगे, हमें हमारे पास कितनी करेंसी है वो हम कितना सेल करना चाहते हैं वो अमाउंट डालकर हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये जब जैसे ही हाई होएगा 77 पर आएगा, अभी 74 पे है तो 77 पर आएगा, तो हमारा जो है इसको अपने ऑटोमेटिक जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे अकाउंट में जो है पैसे इसमें वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको तो शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, और प्ले स्टोर में वजीरएक्स सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।